तो अभी आया था खाना खाने के लिए और खाना खा लिया, अब चल रहे हैं स्टेशन पर, वहीं पे सोएंगे। ठीक, तेरा सामने होटल। अगर इसमें मोबाइल गिर जाएगी तो नहीं निकलेगी। पानी के लिए इसमें बनाया हमने सब, या उसके कचड़ा निकलने के लिए। गोरखपुर है, वैसे तुम लोग पता ही है कितना बड़ा स्टेशन है। चले यार, एक वीडियो ना बनाते हैं। चलो सुबह में देख लेना। तो जिस स्कूल पे हमें आना था वो तो स्कूल मिल गया है और जा रहे हैं प्रिंटर निकलवाने के लिए। आई थिंक जहाँ जाओ तहाँ एक बस, और बस तो खरीदना पड़ता है, साथ में ड्रेस भी खरीदना पड़ जाता है। तो जा रहा हूँ, उसे बोला तो मैंने कब बोल रहा था कि जाओ यहीं से ले लो, तो भोजपुरिया सब बोलते हैं ना, तो इंडिया में बोलते हैं ना, तो बड़ा अजीब किस्म का लगता है और अच्छा भी लगता है उन सबको बोलिया। तो वही अब चल रहे हैं, तो पता ना यार बैटरी वाली गाड़ी है कि एसी वाली, कुछ समझ नहीं मिलता है, लेकिन बैटरी वाली है। डीजल वाली रहती है, साइलेंसर पीछे लगा रहा था, साइलेंसर लग नहीं रहा है। कोई एक और आ रही है, दिखा रहा हूँ देखना। ऐसा लोकेशन पे आए ना कि इधर बस कॉलेज ही कॉलेज है, क्या ना पैरा मेडिकल कॉलेज से, मतलब बड़ा बड़ा है ऊपर का। देखो यही वाली बस एक बता रहा था जो जा रही है इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये सब हरियर नंबर प्लेट रहता है ना, इस वजह से बोल रहा था। इसका मतलब हरा नंबर प्लेट रहता है ना, वो बैटरी यही वाली अक्सर। ये रहा कोलगेट, और इसमें मैंने मुखल ले लिया है दिल्ली में, और चल रहा है बस। और क्या इस पे ईटा वाला है, यही खड़ंजा लगा था पर निकल के सब फेंक दिया सर। और इधर खेत है, और उधर पास में नदी भी है, देखो और ये सब सामने से कॉलेज। कल तो रात को स्टेशन पे ही गुजारे हैं, आज भी रात को स्टेशन पे ही गुजारना नहीं है, क्योंकि आज 11 बजे हम लोग ट्रेन पकड़ कर चले जाएंगे, क्या बोलते हैं उसे यार, बता दूंगा, हाँ घर चले जाएंगे। ठीक, तो चलो, क्योंकि एक जाने का तो पेपर होने से ना रहा, इसीलिए। ठीक, यहाँ पर इतना चिड़िया है सब ना, इस तरह पे कि मार आवाज़ करेंगे सर।